ये देखो अकेले अकेले का छोड़िए, अकेले अकेले खाना खोले, ये नहीं पीछे भी थोड़ा पास करते। अच्छा हम बना रहे थे, क्या कह रहा था, क्या करोगे इतना बना के, लग गई भूख। तो सिर्फ फास्टैग वाली, हर किसी गाड़ी में फास्टैग लगेगी होगा तो, है ना, सबके शायद ही कोई बची होगी जो बिल्कुल ही कहीं निकलती ही नहीं होगी, गांव खेड़े में खड़ी जाती होगी। ये ओम का ब्रिज यहाँ से शुरू हो जाता है ना, देख रहा ये रोड़ियाँ उछल के गिरी है उससे। हरेर महादेव। यायरू ने और खुश ने सेम कपड़े पहने दोनों ने, डिटो कॉपी पेस्ट। यायरू विहान कहाँ पर आ गए हम, हरिद्वार, क्या करने आए हैं, नहाने, और क्या करने आए हैं, खुश के बाल तोड़वा रहे हैं, हाँ भाई, अरे तो आके निकलते टाइम ले लेना ना भाई, आ गए उतर के पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। पूछ रहा कहाँ जा रहे हो, अभी से कौन बताए कि हम वहाँ जा रहे हैं, वो देखो आ रहे 2 मिनट में आ रहे हैं, रेस होने जा रस्ते में कहीं गाड़ी नहीं रोकी, मम्मी में लेके जा रहे हैं वॉशरूम। इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, जो धूप होती है ना तो बहुत तेज लगती है, लेकिन यहाँ आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, हवा चल रही है ठंडी, जैसे हम गाड़ी से निकले ना, गाड़ी में रास्ते में शीशे भी नहीं खोले कहीं पे, पर यहाँ खोले ना मतलब फील हो रही है, मैं कितने टाइम बाद दिल्ली से बाहर निकली हूँ, मतलब हो पता नहीं कितने, बहुत महीने हो गए हैं, शायद 6 और 4, शायद ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए हैं, और अब 10 महीने के बाद निकली दिल्ली से बाहर, हवा ही अलग लग रही है यार। देखो ये पीछे ग्रीनरी, उत्तराखंड है भाई। यार रुक ले, पता नहीं कहाँ जा रहा, कुछ दिन आने जा रहा है शायद। यहाँ पे ऐसा सा कुछ मेला सा लगा हुआ है, जो बाकी हर घाट पे या फिर पूजा स्थल पे चीजें बिक रही होती हैं, प्रसाद या फिर जो भी सोविनियर काइंड ऑफ थिंग होते हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे। सुबह हम 9:15 यहाँ आ गए हैं, 5 बजे चले थे, 4.25 घंटे में गाड़ी लग गई, और गाड़ी मतलब बहुत स्मूथ चलाई है कोई, ये देखो गंगा मैया का जल, नहीं हम हर की पौड़ी पे आ गए हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है अभी, इससे पहले रुक गए, आपको दिखाते हूँ गंगा मैया का नज़ारा। अगर कोई ऐसा है जो यहाँ नहीं आया तो प्लीज एक बार तो आना जरूर है। बाकी तो सारी पार्किंग में सब खाली थी आज मंडे, क्योंकि बट बाकी वैसे भीड़ है। अपना प्लास्टिक की पन्नी मिलती है, 20-20 रुपए की मिलती है, ताकि ये बिछा हो सके और इस पर सामान वामान रख सके, यहाँ पे लोगों ने रखी हुई है, बिछाई हुई है, हमने 20 रुपए का लिया यहीं से, यहाँ पे सामान रख लिया इसी के ऊपर। गर्मी थी यहाँ अप्रैल में आए थे ना, अब ठंड चालू हो गई है, दिल्ली में अब भी धूप निकल गई होगी। संभाल के करना।
आराम से ठंड लग गई उसे और अच्छा बलून दिलाने गया था वो देखो बलून लेके आया है मामा के साथ जाके बलून लेके आया है देख छोड़ियो मत इसे खुश बेटा वो देख छींक छींक के बुरा हाल हो रहा उसका नहीं लाइए मत खाली वैसे छींटे डाल देंगे फिर कभी नहीं ला ले जाएंगे बेटा यहाँ ना छोड़ने के यहाँ मत भागने की सोची Thank you.
वापस घर भी जाना जय करके घर पे चले जाओगे ये होता है तुम्हारे घर पे जाने बस ज्यादा कपड़े कपड़े मत भिगो पूरा घाट सब खाली हो गए हैं, इतना ज्यादा तेज तूफान आ रहा है। देखो जब हम आए तो कितनी भीड़ थी, मुंडन कराते कराते सब खाली हो गया है, बस बारिश भी हो गई है बहुत तेज, बस कुछ भीग ना जाए बाहर, ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है। हम गाड़ी में ही बैठे हैं सब, बस कैसे भी आ गए। घाट तो 2 मिनट में पूरा खाली हो गया था, इतनी जोर बारिश हो रही है, ऊपर से याई हो रही है, बच्चे इतना डर रहे थे वहाँ पे, अब तो नॉर्मल हो गए हैं, रो रहे थे बड़ी मुश्किल से, मतलब इन्हें बचाते बचाते आए हैं। सारे 3-4 टावल से तो हमने खुश को कवर कर लिया था, बारिश थोड़ा सा ना खुला है, थोड़ा दिखना चाह रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, गाड़ी निकालने के लिए भी समझ नहीं था कैसे निकलेगी गाड़ी। हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस मम्मी? ऐसा नान नहीं होगा कभी, आज के जैसा कभी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ डर लग रहा था ना उस टाइम में, है ना एकदम से, क्योंकि बच्चे थे ना, बच्चे साथ में थे ना, कैसे लेके चले चलो बारिश में बचाएंगे। या एक बार सांकरा देखा था, पर सांकरा ऐसा नहीं था, इतना नहीं था,
यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो गंगा मैया कितनी तेज हो गई थी है ना, बिल्कुल तेज पानी। बारिश और तेज हो गई। हाँ बता रहा था उसका के तेज तो पहले ही चल रही थी वो। पत्थर रह गए सारे यार, कितने डुबकी लग गई। वो तो अच्छा है, मैं पानी लगा सबसे पहले बच्चों को नहला गई थी थोड़े थोड़े पानी से ऐसे। सब आओ नहा धो के जाओ गंगा मैया। अच्छा वो हम खाना बना लाए थे आराम से, गाड़ी में बैठे खा रहे हैं। और एक मिनट हवा से हमने चाय मंगा ली क्योंकि बारिश देखो अभी भी ऐसी हो रही है, बाहर निकलना नहीं जाएगा बच्चों को लेके तो बिल्कुल भी। हेलो वैसे तो दे रहा है खाना दे रही हूं मैं, दे रही हूं। अभी स्पून वगैरह सब डिग्गी में है, कौन जाएगा स्पून लेने, इसलिए थोड़ी से दे रही हूँ। भाई इसलिए कहते हैं ना घर से खाना लेके चलना चाहिए, जब ऐसी जगह जाओ ना खाते बच्चे साथ हो काम आ गया देखो खाना, ऐसे में खाटू गए थे तो खाटू भी काम आ गया था, खाना लेके गए थे ना मम्मी वहाँ गए धर्मशाला में रुके, वहाँ पर थाली का टाइम बंद हो चुका था और फिर दूर जाना पड़ता खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे हम घर से ले गए थे तो वो काम आ गया था। घर से बढ़िया खाया था, होटल से बढ़िया खा रहा है। अच्छा मम्मी ये खाना घर पे टेस्ट लगता है, बाहर का टेस्ट लगता है, बाहर का टेस्ट लगता है ना नेहा? टिक्के बाल करवाने गए थे। अच्छा चाय आ गई सर, भाई शुक्रिया भाई। हैं हां एक सेकंड, अब ना हो रही भाई कितनी, अरे नहीं आएगी उसमें यार, अगर वो नीचे चली गई ना तो उठा नहीं पाएंगे। ये सही है चाय रखने की जगह, पर पीछे के लिए दो जगह नहीं बन पा रही है। गाड़ी में बैठ के लोग चैलेंज करते हैं पर हमारा तो रियल में चैलेंज हो गया है, हम गाड़ी में पैक है कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, कोई निकलना चाहता भी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश है, देखो कुछ नहीं दिख रहा है बाहर का। तो अब हमने गाड़ी में ही मंगा लिया चाय और खाना ले गया था, खा लिया, चाय ने राहत दी है, उन्हें भीग गए थे, बहुत तेज हेडेक हो रहा था क्योंकि बच्चों का रोना सुन सुन के और हेडेक हो रहा था। हर हर गंगे